भले ही अपराध नियंत्रण के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन हकीकत ऐसी है कि अपराधियों की तूती बोल रही है। अपराध की वारदात पर रोक लगाना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है। ताजा मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव से सामने आया है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व जिला पार्षद संजीव मिश्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने उनके पेट में गोली मार दी, हालांकि गनीमत ये रही कि गोली पेट के आर पार हो गई। फिलहाल घायल पूर्व जिला पार्षद संजीव मिश्रा का इलाज पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। बताया जा रहा है कि संजीव मिश्रा शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने कदवा प्रखंड के बलिया बेलौन क्षेत्र गए हुए थे। कार्यक्रम में शरीक होने के बाद वे वापस अपने घर तेलता लौट रहे थे, तभी आदमपुर गांव के पास सफेद रंग की अपाची बाइक पर सवार तीन हथियार बंद अपराधियों ने गाड़ी रोक खिड़की से संजीव मिश्रा के पेट में गोली मार दी। यहां तक कि एक अपराधी ने गाड़ी चला रहे कमरा पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया नूर आलम उर्फ तजाउल पर भी बंदूक तान दी। इस बीच मुखिया ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया और गाड़ी लेकर तेलता पहुंच गए, जहां उन्होंने घायल संजीव मिश्रा को एक निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया। इस बीच कुछ दूरी तक अपराधियों ने गाड़ी का पीछा भी किया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अपराधियों के बुलंद हौसलों के आगे लोग कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें। मोहम्मद मीनारुल, टाइम्स न्यूज़, बारसोई।